ये मैं हूँ, ये पप्पू है, बोले तो सोनू है, और जी ये है राजू है, ये राजू है, वो जय है। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और मेरे न्यू वीडियो में। बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ है आज सोनू, और हम लोग जा रहे हैं आज पतरातू, जो कि लॉकडाउन के बाद खुला है। अभी खुला है कि नहीं पता नहीं, राजू गया था घूमने, वही बोला था कि खुल गया, तो सोचा एक ब्लॉग बना दूँ वहाँ का। फर्स्ट टाइम इस साल का पहला ब्लॉग वहाँ का था 1 जनवरी का, जिसमें अच्छा खासा व्यूज़ गया है, इसलिए सोचा एक और जाके बना दूँ। 2021 का मेरा ये दूसरा ब्लॉग रहेगा पतरातू का। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी हम लोग हैं अपना दुकान से थोड़ा सा दूर गिद्दी जाने वाला रोड में, और आज मेरे साथ जा रहा है सोनू। अगर बोलने पर रिहा करता है तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, पूरा तैयारी में है, हेलमेट वेलमेट ले लिए हैं। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लास्ट तक देखना पूरा, दिखाते हैं कैसा लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद क्या चेंज हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोगों की बाइक इतनी स्पीड चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही है, लगभग 120 की स्पीड में हम लोग हैं, और यह है गिद्दी नहीं रिवर साइड जाने वाला रोड। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं पतरातू डैम। देखिए जाने वाला 20 बज, हाँ। सो फाइनल गाइज, वी एन अंदर अंदर हो गए हम लोग, और कितना अच्छा लगा, पार्क खुल गया। तो गाइज देख सकते हैं, ये मैं हूँ, ये पप्पू है, बोले तो सोनू है, और ये है राजू है, ये राजू है, वो जय है। है तरह का भी देख सकते हैं, यहाँ है पतरातू पार्क, आर्मी कैंप के लिए ये सब बनाया गया है, जो बच्चे लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी इतना खास आ नहीं रहा है मेरा फ़ोन में कैमरा। हम लोग अंदर आ गए हैं और अच्छा है, खुल गया, आते हैं कभी कभी इधर रिलैक्स मारने। अभी उतना भीड़ नहीं है, शाम टाइम पे अच्छा खासा भीड़ रहता होगा। दिखाते हैं आप लोगों को जितना दिखाने सकेंगे उतना दिखाते हैं पार्क। वैसे पार्क खुल गया है, आइए कल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं मिलेंगे, ये जरूर यहाँ मिलेगा, ये काम करता है यहीं पे। क्या काम करता है रे? झाड़ू लगाता है। ये जो पत्ती रहता है ना, यहाँ पत्तियाँ दिख रही है, ये सब साफ करता है। महीने का लग रहा है बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो गाइज, यहाँ ये सब जो घर देख रहे हैं, खुद का हाथ से बनाया हुआ है, और ये हम लोग पतरातू डैम के रोड साइड के एरिया तरफ है, इधर अपोजिट साइड में, जो यहाँ वीआईपी लोगों के लिए है। यहाँ जो घर चैप से देख रहे हैं, वहाँ कुर्सी लगा हुआ है, और ये एक मैन है किला विला टाइप से, विहार सरोवर विहार नाम है, देख सकते हैं कितना। अंदर में होटल भी है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो रुक सकते हैं यहाँ अंदर में, और अगर पैसा नहीं हम लोग जैसा तो सिर्फ देखो और जाओ और क्या कर सकते हैं, पैसा है ही नहीं। तो गाइस, यहाँ उतना भी भीड़ नहीं है, क्या कि यहाँ भी हम लोग आए हैं लगभग 12 बज रहा है, 12 बजे में तो कोई नहीं आता है, यहाँ शाम के टाइम पे ही आते हैं बहुत लोग, और भीड़ भी रहता है। तो हम लोग यहाँ से सोच रहे निकलेंगे यहाँ से अब डायरेक्ट घर,
क्योंकि घूम लिए हैं पूरा, धूप में करिया हो रहे हैं, करिया इंसान और करिया हो जाएंगे, कितना ख़राब लगता है देखने में। सोनू को भी भूख लग रहा होगा, है ना रे, भूख लगा करे। तो जाते हैं पहले कुछ खाते हैं यहाँ से निकल के, ज़्यादा कुछ तो खा नहीं सकते, सिर्फ चिप्स ही खाएंगे। सिर्फ यहाँ का वीडियो बनाना था कि दिखाना था कि यहाँ पे खुल गया पतरातू डैम पार्क पूरा तरीका से लॉकडाउन हटने के बाद। कितना दिन हुआ है, हम लोग तो आ जाए हैं लगभग एक महीना हुआ होगा खुले। One hour later. तो गाइस हम लोग आ गए पतरातू से और अभी हूँ मैं मेरे दुकान पे, देख सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो बस यही था आप लोग को बताना था कि पतरातू डैम पार्क खुल गया है, एक तारीख से ही खुल गया था पर हम लोग आज जा नहीं पाए। तो अगर आप लोग जाना चाहते तो जा सकते हैं, पार्क खुल गया है। आज का बस यही वीडियो था आप लोग को बताना था, आई होप पसंद आई होगी वीडियो। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।